तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पुरानी मांग को लेकर के, जिसको भारतीय रेलवे ने अब यहाँ पर स्वीकृत कर दिया है। ट्रेन है डहर का बालाजी जयपुर से लेकर के साईनगर शिरडी तक संचालित जो स्पेशल ट्रेन लास्ट ईयर की गई थी शुरू, उसको तभी से ही यहाँ पर मांग थी कि इसको बीकानेर तक या फिर हिसार तक एक्सटेंड कर दिया जाए। तो अब ये भारतीय रेलवे की तरफ से अब इस ट्रेन को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। ये ट्रेन अब बीकानेर तक एक्सटेंड हो चुकी है। ट्रेन नंबर 09739 बीकानेर साईनगर शिरडी सुपरफास्ट स्पेशल के नाम से अब ये ट्रेन जानी जाएगी। बात करें टाइम टेबल के बारे में, तो ये ट्रेन अब हर शुक्रवार को दोपहर के 1:40 पर बीकानेर से संचालित की जाएगी। और ये ट्रेन रतनगढ़ पहुंचेगी शाम के 3:30 पे। यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट लेकर के ट्रेन चूरू पहुंचेगी शाम के 4:35 पे। 10 मिनट का हॉल्ट ट्रेन यहाँ पर लेने वाली है। उसके बाद में ये ट्रेन जो है चूरू से निकल जाने के बाद में आगे सीकर पहुंचेगी यहाँ पर ये ट्रेन। और ट्रेन का टाइम होने वाला है यहाँ पे शाम को 6:07 पे। और लगभग 5 मिनट का हॉल्ट लेकर के ट्रेन जो है वो रिंगस के रास्ते डहर का बालाजी पहुंचेगी अपने ओरिजिनल टाइम शाम के या फिर रात के 9:17 पे। 3 मिनट का हॉल्ट लेकर के ट्रेन जो है फिर आगे डहर का बालाजी से रवाना हो जाएगी जयपुर से, और अपना वही कंटिन्यू रूट को रखते हुए ट्रेन जो है वो साईनगर शिरडी पहुंचेगी अगले दिन यानी कि शनिवार को रात के 8:30 पे। इस दौरान अब ये ट्रेन जो है 1747 किलोमीटर के रूट को कवर करेगी 30 घंटे 50 मिनट में, और इसकी एवरेज स्पीड होगी लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटे की। वापसी के दौरान बात करें तो ट्रेन नंबर 09740 साईनगर शिरडी बीकानेर सुपरफास्ट स्पेशल के नाम से संचालित की जाएगी, जो कि अपना साईनगर शिरडी से एज इट इज सुबह के 7:25 पे हर संडे को संचालित होगी। और ये डहर का बालाजी पहुंचेगी ट्रेन 8 बजे सोमवार को। 3 मिनट का हॉल्ट लेकर के ट्रेन 8:03 पे रिंगस के रास्ते सीकर पहुंचेगी सुबह के 10:15 पे। यहाँ पे ये ट्रेन जो है 5 मिनट का हॉल्ट लेगी, और उसके बाद में ट्रेन जो है वो चूरू पहुंचेगी दोपहर के 12:10 का हॉल्ट लेकर के। ट्रेन जो है वो रतनगढ़ पहुंचेगी आगे 1:05 का हॉल्ट लेकर के। ट्रेन जो है वो फिर डायरेक्ट बीकानेर पहुंचेगी शाम के 3:15 पे हर सोमवार को। इस तरीके से ट्रेन जो है वो अपनी जर्नी को पूरा करेगी, और ये जो ट्रेन है लगभग 1747 किलोमीटर के रूट को लगभग 31 घंटे 50 मिनट में पूरा करने वाली है अपनी एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब इस तरीके से ये जो ट्रेन है अब अपना बीकानेर से लेकर के साईनगर शिरडी तक स्पेशल के तौर पर संचालित की जाएगी, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में रेलवे इसको कंटिन्यू भी कर दे, क्योंकि लगभग 1 साल के आसपास का टाइम हो गया और ये जो ट्रेन है कंटिन्यू संचालित हो रही है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। मिलेंगे अभी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।